खबर आपके साथ मैं हूं अनुजा। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता से कई वादे भी कर रही है। कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी ने बेटियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास, छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के वादे भी किए थे, जिसके बाद से अब योगी सरकार का भी बड़ा वादा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने कहा है कि नवम्बर तक वो स्मार्टफोन और टैबलेट छात्राओं को दिला देंगे। इस बीच ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं, कई वादे भी कर रही हैं, जिसको अब कॉपी करते हुए योगी सरकार नजर आ रहे हैं। और अब योगी सरकार ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बीच इस चीज को समझना होगा कि प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे बढ़ा रही है, प्रतिज्ञा यात्रा कर रही है, वहां की जनताओं से मिल रही है और लगातार वहां की महिलाओं से रूबरू हो रही हैं। और इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा भी महिलाओं के मद्देनजर ही रखा गया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ये भी बड़े ऐलान किए थे कि 40% महिलाओं को पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी। उसके बाद से लगातार प्रियंका महिला सशक्तिकरण और छात्राओं के लिए स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक स्कूटी की वादे भी करते हुए नजर आ रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि प्रियंका गांधी ने और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां कई वादे और दावे कर वोटरों को साधने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंटर पास करने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के इस ऐलान के बाद छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। बताए दें कि बीजेपी ने कई वादे भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा है कि उनकी सरकार नवम्बर के अंत तक युवाओं के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू करेगी। सीएम योगी ने कहा है कि उनकी सरकार नवंबर के अंत से प्रदेश के युवाओं के बीच फ्री टैबलेट और लैपटॉप देने का ऐलान किया है। सीएम ने सुल्तानपुर में हुए इस कार्यक्रम में कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए हमारी सरकार नवंबर के आखिरी सप्ताह में टैबलेट और लैपटॉप देना शुरू कर देगी। सीएम योगी का यह ऐलान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के स्मार्टफोन और स्कूटी देने के बाद की बात है। वहीं सीएम योगी के टैबलेट और लैपटॉप के ऐलान के पहले कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इंटर पास छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास छात्राओं को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्राओं को लैपटॉप दी गई थी और अब कांग्रेस और भाजपा के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी छात्र छात्राओं के लिए क्या ऐलान करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बीच ये भी बता दें कि लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में कई वादे करते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी का मुख्य फोकस महिलाओं पर है। इससे पहले भी प्रियंका जो है वो बड़े ऐलान कर चुकी है, पार्टी में 40% महिलाओं को उम्मीदवारी देने की बात कही है, जिसके बाद से योगी सरकार भी अब हरकत में आ गई है और कई बड़े ऐलान भी योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है। इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और दौरे से पहले प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कही है, जिसको लेकर एक बड़ा ऐलान करती हुई भी प्रियंका
नजर आई हैं। लेकिन प्रियंका की अगर मैं बात करूं तो इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो है कोई भी पार्टी चुनावी दौरे और प्रदर्शन नहीं करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार काफ़ी पहले से ही इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ प्रियंका गांधी लगातार वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, तो वहीं योगी सरकार भी अब प्रियंका गांधी को देखकर वादे और दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं प्रियंका की बात करूं तो प्रियंका गांधी ऐसी नेता हैं जो लगातार जनता के बीच जा रही हैं और उनसे रूबरू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों को लेकर बात कर रही हैं, बेरोजगारी की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा महिला सशक्तिकरण ही माना जा रहा है। इसको लेकर लगातार प्रियंका कई महिलाओं से मुलाकात भी कर रही हैं, कई दौरों पर जाती हैं, तो महिलाओं के बीच उन्हें ज़रूर देखा जाता है। इस बीच पार्टी में 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका ने ये बातें ज़रूर कही थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये नारा इन दिनों कांग्रेस पार्टी का काफ़ी हिट साबित हुआ है और इसी के तहत कई महिलाएं कांग्रेस पार्टी से अटैच भी हो रही हैं, आकर्षित भी हो रही हैं और लगातार प्रियंका के समर्थन में भी नज़र आ रही हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों प्रतिज्ञा यात्रा कर रही हैं, जिनसे कई राज्यों में प्रियंका दौरे कर रही हैं। बता दें कि पहले प्रियंका वाराणसी गई, जहां पर भाषण के दौरान ये बातें कहते हुए नज़र जरूर आई थी कि वो जनता की बात सुनेंगी, और उससे पहले प्रियंका गांधी को मंदिरों का दौरा करते हुए भी देखा गया था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, मंदिरों का दौरा कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें जो है प्रशिक्षित भी किया गया था, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के गलतियों को उजागर किया गया था, जिसके बाद से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से ज़मीन पर उतरती हुई नज़र आ रही है और महिलाओं की बात सुन रही हैं, छात्राओं की बात सुन रही हैं, बेरोजगार युवकों की बात सुन रही हैं और लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले प्रियंका गांधी बहुत पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही हैं, क्योंकि बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में बहुत देरी कर दी थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी कोई भी चांस नहीं लेना चाहती हैं और यही कारण है कि प्रियंका गांधी बहुत पहले ही चुनावी वादे करना चाहती हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना चाहती हैं और सभी दावे और वादे बहुत पहले कर लेना चाहती हैं, ताकि आखिरी समय में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिक्कतें ना हों, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था। इसलिए प्रियंका चाहती हैं कि कोई भी हड़बड़ाहट ना हो और प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका की निकल रही है, जिसमें जनता का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।